एक नंबर। चलो लो अब बोलो। दीदी आज से श्रावण की पहली बात तो शुरुआत हो गई है, बाबा भोलेनाथ की भक्ति का ये महीना। आज आपने भी क्या मनोकामना मांगी है मध्य प्रदेश और देश के विकास? बहुत वर्षों के बाद हुआ है कि एक श्रावण में पांच सोमवार आ गए। जो पांच सोमवार होते हैं वो पूर्ण होते हैं, तो इसलिए क्योंकि शिव पंचाक्षरी मंत्र है आपको पता होगा जी, तो इसलिए ये बहुत अद्भुत महीना है सोमवार से सोमवार तक का, और ये बहुत कल्याणकारी महीना है। मैं बाबा से जब बाबा के सामने आती हूँ ना तो मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। मैं बताऊँ जैसे बेटियाँ ना बाप के सीने से जब लग जाती हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। यही याद रहता है कि हमारे बाप हमारे लिए सब कुछ हो, हमारे लिए हमारा अपने आप करेंगे, हम क्या उनको बताएँ। तो मेरे से कुछ बोलते ही नहीं बनता, सच्ची बात तो ये है। लेकिन मैं हमेशा कभी बोले मुझे कि बोल दो, वही जब पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि मेरे जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं यहाँ से जरूर कल्याण की कामना करूँगी कि कोरोना ना सिर्फ भारत की धरती से, दुनिया की धरती से गायब हो, क्योंकि इसने समाज में बहुत दहशत और तनाव पैदा कर दिया है, लोगों के जीवन की प्रसन्नता चली गई है। और इसी प्रकार से मैं चीन पे भी आपको पूछना है, क्योंकि ये विदेश नीति का मसला है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मोदी जी ने सारी बिगड़ी हुई बातें बनाई हैं, जो भी बातें बिगड़ गई थी उनने सब बनाई हैं, तो ये भी बात बनेगी और इसमें भारत की शानदार बात बनेगी, क्योंकि यह स्टेटमेंट रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री का हो सकता है, समझ में नहीं मिल सकता। प्रदेश के बारे में आप कहेंगे तो मैंने जो बात कह दी वो सरेआम कही, उसको डिनाई भी नहीं किया जी, कोई खंडन नहीं किया मैंने उसका, और उस बात से किसी को कोई मलाल भी नहीं है। और जो परिस्थितियाँ थी मध्य प्रदेश की उसमें कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं, अस्तित्व खो चुकी थी, और कमलनाथ जी पूरी तरह से असहाय हो चुके थे अपने ही विधायकों के हाथों में और अपने ही पार्टी के नेताओं के हाथों में। और उस असहायता के कारण ये बहुत अच्छा हुआ कि राज्य बाहर निकल आया और आज एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है जो कि पूरी तरह से इस प्रदेश की रग रग को समझता है और वाकिफ है, और घर घर में वो घर के सदस्य की तरह स्थापित हो रहे हैं, हर घर के सदस्य की तरफ एक अच्छी बात हो रही है। ज्योतिरादित्य का आना तो मैं मानती हूँ कि उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बल्कि उनको कांग्रेस में ही नहीं होना चाहिए था। राजमाता सिंधिया जी की जो इच्छा थी, माँ कैसी है, माँ छूना नहीं, अभी छूना मना करते हैं ना, चरण छूने के लिए, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है जी, तो अभी मिलूंगी। तो उसमें वो चाहती थी कि माधवराव ही बीजेपी में जनसंघ में आ जाए, तो एक प्रकार से ज्योतिरादित्य ने बीजेपी में आकर के अपनी दादी की इच्छा पूरी कर दी। अब रही बात समाविष्ट होने की, तो वो समायोजन तो हो जाएगा, क्योंकि शिवराज बहुत गमखोर है, तो इसलिए वो तो हो जाएगा। उन्होंने ठीक से बोल भी दिया, वो भी ठीक है, और स्वभाव भी है, मैंने देखा गमखोरी बहुत है स्वभाव में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मुझे दूसरी लग रही है, आप लोगों को के द्वारा भी लग रही है मुझे, जब ये बात आती है मलाईदार विभाग किसको मिला, तो आप किसी भी विभाग को मलाईदार क्यों कह रहे हैं? और जो हमारी पार्टी में आ गए हैं उनको भी मैं कहूँगा कि खबरदार जो किसी विभाग को मलाईदार समझा, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि हम चौकीदार भी हैं। इसलिए आप आ गए, ज्योतिरादित्य के साथ आपकी नैया पार लग गई, लेकिन हमारे यहाँ पर सब सेवक होते हैं और यहाँ मलाई नहीं होती, पसीना होता है। ये चेतावनी का सिंधिया जी के लिए भी है, क्योंकि राज परिवार से ज्योतिरादित्य जी के लिए नहीं है, ये तो मीडिया में जो चला मलाईदार विभाग मलाईदार विभाग। आज अगर हमें राजनीतिक जीवन में शुचिता लानी है जी, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ सेवा करने के लिए है, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, और मोदी जी वो शुचिता लाए हैं। आज मोदी जी की सरकार को लगभग 6.25 साल होने को आ गए जी, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ऐसा कितने सालों के बाद हुआ है जब किसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है मंत्री पर, अद्भुत बात है। उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार चल रही है वो शुचिता का उदाहरण मानते हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं योगी, मुझे बहुत लाड़ले हैं मेरे जी, बिल्कुल उसका मतलब वो बात के लिए। ज्योतिरादित्य का तो स्वयं का जीवन बहुत निष्कलंक रहा है, इसलिए मैं उनको क्यों चेतावनी दूंगी, मैं तो जो साथ में लपेटे हुए आए हैं उन्हें चेतावनी, उनको चेतावनी नहीं देनी। दे आप अपना शब्द मेरे मुंह में नहीं डालेंगे, मेरी हर बात रिकॉर्ड होगी, मेरे हिदायत मोबाइल पर चालू कर देंगे, ये हिदायत हो सकती है, हिदायत भी नहीं जी। मैं तो इतनी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में जो जिम्मेवारी होती है उसमें मलाई नहीं होती, पसीना होता है। ये टाइगर वाद ज्यादा चल रहा है उसको लेकर क्या कहें, कोई कह रहा है कि टाइगर इज बैक, टाइगर इज, ये सब जुमलेबाजियां हैं, और इन जुमलेबाजियों का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो कहते हैं मैंने टाइगर का शिकार किया,
वो कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो राघव गढ़ के शेर को ट्रंकलाइजर की ऐसी गोली चलाई 2003 में कि बेचारे वहीं पिंजरे में ही रह गए, निकल नहीं पाए, बेसुध ही रह गए वो। इसलिए मैं तो शिकार नहीं करती हूँ ना, और मैं तो दुर्गा की बेटी हूँ, दुर्गा तो शेर की सवारी करती है। सवाल ये भी, का काम तो शेर की सवारी करना है। एक सवाल ये अभी तक सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनको पूछ परख नहीं हो रही थी, ऐसा ही हाल अब कैलाश विजयवर्गीय का हो रहा है कि उनके यहाँ से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, इंदौर को महत्व नहीं दिया गया। इन सब बातों पर मुझे नहीं बोलना, उषा ठाकुर इंदौर की ही है, बहुत पुरानी और वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कैलाश तो स्वयं कैलाश है, और इसलिए वो उसकी भव्यता और उसकी गरिमा कभी किसी चीज़ से कम नहीं। अरे जी, मंत्रिमंडल में आपको कहाँ पर असंतोष नजर आ रहा है, डिसबैलेंस कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर परिस्थिति है? आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है सबको, स्वयं शिवराज जी को भी, कि मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल में और भी ज़्यादा कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए, कुछ नाम जो छूट गए हैं? देखो, मेरे पहले ये सच्चाई है कि आज से 5.5 साल पहले, 6 साल 7 पहले जब मैं बीजेपी में आई, शुरू में दोनों तरफ से एक हेजिटेशन रहता था। जी, आज हम और शिवराज जी भी सगे भाई बहन की तरह बात करते हैं। बीजी शर्मा तो मेरे बहुत ही मतलब अभिन्न प्रिय भाई हैं, तो जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मैं सीधे बात कर लेती हूँ तो मीडिया से थोड़ा ना संदेश दूंगी मैं। अच्छा दीदी, मीडिया से मैं एक ही संदेश दूंगी, हमारी सरकार में कोई भी विभाग मलाईदार नहीं होता। मलाई खानी तो घर की खाइए, घर में गाय पालिए, उसका दूध जमाइए, उसमें से मलाई निकालिए। यहाँ तो जो विभाग मिलेंगे वो सेवा करने। अच्छा दीदी, उमा भारती जी की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि अब उमा भारती जी को तो पार्टी ने जो काम दिया वो सारे किए। उनने कहा अयोध्या पहुँच जाओ, हम पहुँच गए। मुलायम सिंह ने कहा परिंदा पर नहीं मार पाएगा, हम पहुँच गए। उन्होंने कहा हुगली में 40 साल से तिरंगा नहीं फहरा पा रहे, हम फहरा के आ गए। उन्होंने कहा घुसपैठ की समस्या से देश वाकिफ नहीं है, तो युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते हमने सबसे बड़ी मानव दीवार बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गिरा, मतलब जो उस ट्रंकुलाइजर की गोली मार के, और ट्रंकुलाइजर की गोली से बेसुध होता है, क्योंकि हम शिकार तो करते नहीं ना, शेर को आजकल मारना मना है ना, ट्रंकुलाइजर की गोली मार के बेहोश करके पिंजरे में बंद कर देते हैं हमेशा के लिए अंदर जू में, तो वो हमने कर दिया। अब देखो ना, निकलने की कोशिश करी तो भोपाल वासियों ने दोबारा वही कर दिया अभी पिछले लोकसभा के चुनाव। तो अभी मेरे पास गंगा का काम है, मैं कर रही हूँ। और इसलिए उमा भारती जी क्या कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो अपने आप को बहुत ही अबोध और ना समझ किस्म का व्यक्ति मानती हूँ। आप यकीन करना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं विनम्रता का प्रदर्शन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो विनम्र समारोह की जानी भी नहीं जाती हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सच्चाई है कि मैं तो वैसी हूँ जैसे जंगल से उसको मोगली को नहीं पकड़ के ले आए थे, आपको याद है एक मोगली करके था उसके किरदार नहीं, सच्चाई है वो पेच के जंगलों में, यहीं तो मध्य प्रदेश की तो घटना है। अब मोगली को आप कोई काम सौंप दोगे तो वो तो किसी चीज़ से डरेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में ही रहा ना, शेरों के बीच में, बाघों के बीच में, अब वो तो छलांगे मार मार के काम करेगा। तो मैं तो मोगली ही हूँ, मोगली ही हूँ। दीदी, क्षिप्रा नदी को लेकर भी कुछ आपकी? मैं क्षिप्रा नदी को लेकर बहुत व्यथित रहती हूँ, और अभी भी मेरी इच्छा ये है कि क्षिप्रा जहाँ से निकलती है वहाँ से हम क्षिप्रा को यहाँ तक ले आएँ। शिवराज जी को जब मैं मंत्री थी तो उनसे बात हुई थी मेरी, और उस समय पर हमने एक प्रोजेक्ट की तैयारी की थी, क्योंकि मेरे पास में रिवर डेवलपमेंट था, तो हम क्षिप्रा नदी को ज़रूर किसी ना किसी तरीके से क्षिप्रा का जल हम बाबा तक लाएंगे, क्योंकि हर शिव का एक जल की धारा से संबंध होता है, और उसको वो जल की धारा अवश्य मिलनी चाहिए। बाबा का जो संबंध है वो क्षिप्रा की जल की धारा से, क्षिप्रा मतलब होता क्षिप्र यानी शीघ्र, तुरंत तुरंत कृपा करने वाली, तो इसलिए। और वो नदी है वो तुरंत जल की, एक त्वरित जल की धारा थी, और वो किसी प्रकार से यहाँ तक बाबा तक आ जावे, बाबा का मस्तक का अभिषेक हो जावे। अगर और कोई उपाय नहीं निकलेगा तो अपन लोग चलेंगे और वहीं से कार सेवा करते हुए आएंगे। आपने तो कहा था कि मैं तो उज्जैन में ही बसने वाली हूँ, फिर आगे? हाँ, तो अभी तो बहुत समय, अभी राजनीति करूँगी आज। दीदी, एक आखिरी सवाल था, 24 सीटों पर किस तरीके के समीकरण आप देख रही हैं? मुझे ये लग रहा है कि हम सारी सीटों पर जीतेंगे, कई सीटों पर तो कांग्रेस की जमानत तक हो जाएगी, वो स्थिति बनने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो सारे जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी कांग्रेस के धड़ाधड़ बीजेपी में चले आ रहे हैं, तो यहाँ तो कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया। और जैसे बंगाल में लगभग 40 साल वामपंथियों की सरकार रही, तो अभी तो हम तो 15 साल हुए हैं। तो बंगाल के टाइगर को मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पनपाया जा रहा है? बंगाल का टाइगर जहाँ होगा वहाँ से दहाड़ मारेगा तो मध्य प्रदेश भी हिल जाएगा।